नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल गार्डनिंग टिप्स पर। ये डेफनबेकिया का पौधा है जो कटिंग से मैंने ग्रो किया है, इसका भी मैं वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज हम बात करेंगे क्रोटन की। क्रोटन के पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें लगभग सारे ही कलर मौजूद हैं, हर कोई इसे पसंद करता है और लगाना भी चाहता है। लेकिन हम क्रोटन के पौधे को नर्सरी से जब लाते हैं, बड़े प्यार से लगाते भी हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो हमारा साथ छोड़कर चला जाता है। तो आज मैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको बताऊंगी जो आप फेस करते हैं, साथ ही रीपॉटिंग और फर्टिलाइज़र के बारे में भी मैं पूरी जानकारी दूंगी। सो कहीं मत जाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। प्लीज़ आउटसाइड नॉइज़ को इग्नोर करिए, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये मेरे क्रोटन के प्लांट हैं कुछ, और ये दोनों प्लांट्स तो मैं लेके आई थी, मैंने इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। और ये बड़ा पॉट है कैरी बैग, तो मैं इसको अभी रिपॉट नहीं करूँगी, मैं रेनी सीज़न का वेट करूँगी। और ये अप्रैल की फर्स्ट डे है आज अप्रैल का, तो मैं ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं प्लांट, मैं इसको रिपॉट करूँगी। तो ये एक मेरा पुराना पौधा है, बहुत ही हार्डी है, इसको मैंने कटिंग भी किया था, इसमें बहुत सारे शूट्स भी निकलने लगे हैं। और ये दूसरा एक पौधा है पेट्रा क्रोटन, तो ये मैं लेके आई थी और मैंने इसको जनवरी में रिपोर्ट किया था, ये वाला। तो इसको मैंने जनवरी में रिपोर्ट किया था, तो इसने अपनी लीव्स गिरा दी थी, अब ये इसकी नई शूट्स निकल रही हैं। देखिए, मैंने सभी को पॉट्स छोटे ही दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रोटन आपका साथ कभी ना छोड़े, तो फिर इसको जब आप लाएँ तो इसको छोटे ही पॉट में रिपोर्ट करें। तो ये इसमें देखिए नई शूट्स भी निकल रही हैं, अगर आपको दिखाई दो, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कि मैंने कौन सी सॉइल ली है रीपॉटिंग के लिए, क्रोटन प्लांट के लिए। तो ये है मेरी सॉइल, इसमें मैंने गार्डन सॉइल लिया है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, कोकोपीट, परलाइट, साफ और राख ली है। तो ये मेरी गार्डन सॉइल है, ये गार्डन सॉइल है, 30% मैंने गार्डन सॉइल ली है और 30% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये इसकी जगह आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने लिया है ये कोकोपीट, तो कोकोपीट ये 20% लिया है, इसकी जगह आप राइस हस्क भी ले सकते हैं, यानी कि धान की भूसी। और ये है फास्फोरस यानी कि राख, और राख जो है ये लकड़ी की या फिर गोबर की किसी की भी चलेगी, तो थोड़ी सी मैंने ये ले रखी है, लगभग 1 टीस्पून। और ये है परलाइट, तो परलाइट अगर नहीं है तो भी आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप तो इसकी जगह आप कोकोपीट को भी बढ़ा सकते हैं। तो और ये है फंगीसाइड, तो ये पूरा सॉइल तैयार है, और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ मैं और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो हाँ, और ये नीम खली है, थोड़ी सी मैंने इसमें नीम खली भी डाल ली है। नीम खली ज़रूरी है, नीम खली को आप स्किप बिल्कुल भी मत करें। और इसमें एक और ज़रूरी चीज़ मैं मिलाना चाहूँगी, अगर आपके पास हो तो आप मिलाइए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये है एप्सम सॉल्ट, तो एप्सम सॉल्ट को भी थोड़ा सा हम मिला लेते हैं, मैग्नीशियम होता है इसमें, और ये भी प्लांट के लिए एक अच्छी खाद होती है। और साथ ही मैं अब इसमें यूज़ करूँगी एक ठंडा फर्टिलाइज़र, जो कि है बनाना पील फर्टिलाइज़र। मैंने आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया है, ये बहुत ही अच्छी खाद होती है, तो 1 टीस्पून आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये पौधे को बहुत ही अच्छे से नरिश करती है, इसकी लीव्स को चमकदार बनाएगी और इसे खूबसूरत बनाएगी। चलिए अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, जब तक मैं सॉइल मिक्स कर रही हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप देख सकें। ये सॉइल रेडी है पॉट में डालने के लिए,
तो ये कोई यूज्ड मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें काफ़ी होल्स भी होते हैं, नर्सरी वाले इसमें बहुत होल्स भी करके रखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी में मैं इसको पौधे को लगा दूंगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो आपके पास ये सब आए इसको फेंके नहीं, और आप इसमें पौधे को लगा सकते हैं। तो जो सॉइल है उसको इसमें डाल लेते हैं। तो पौधे को जो है इसमें से अच्छे से निकाल लेना है हमें, जेंटल तरीके से, पौधे की जो जड़ें हैं वो डैमेज ना हो। तो नीचे से धीरे धीरे से प्रेस करें और जेंटली तरीके से इसको निकालें। ठीक, बात कर लेते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो इनको बस 2 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट इनके लिए सफिशिएंट है। गर्मी की बात मैं कर रही हूँ, विंटर में आप इनको फुल सनलाइट दीजिए, तो इनको 2 घंटे की सनलाइट इनके लिए काफ़ी होती है। और इनको रोज़ पानी से नहलाइए, और ओवर वाटरिंग मत करें। ओवर वाटरिंग से बचने का एक तरीका है, या तो आप मिट्टी का पॉट यूज़ करें, या फिर अगर प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं तो छोटा पॉट यूज़ करें। और इनके लिए ओवर फर्टिलाइज़ इनको बिल्कुल भी मत करें। गर्मी में इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, और ठंडे फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। और आप इनको सीवीड भी दे सकते हैं फर्टिलाइज़र में। तो देखिए, जेंटली तरीके से इनको निकाल लीजिए। नहीं खींच पा रहा है तो इसको थोड़ा प्रेस करके खींच दीजिए। और अगर इसकी सॉइल जो है वो ब्रेक हो रही है, टूट रही है, तो कोई बात नहीं है। वैसे भी इसकी थोड़ी सी सॉइल हमें निकालनी ही है। धीरे धीरे इसको खींच लीजिए, भले ही आपको टाइम लगे तब भी आप आराम से काम करिए। और ये देखिए, इसकी टोटल चिकनी मिट्टी है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन अभी हम इसको पूरा सारी मिट्टी नहीं निकालेंगे, नहीं तो पौधे के मरने का डर हो जाता है। तो ऊपर से और नीचे से थोड़ी थोड़ी करके आप इसको मिट्टी निकाल लीजिए। और ध्यान रहे इसकी जड़ें ना टूटें। अगर थोड़ी जड़ें टूट भी जा रही हैं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इतना तो थोड़ा हो जाता है। और धीरे धीरे इसको करके बहुत ही, देखिए, हल्के हाथों से इसको मिट्टी को निकाल दीजिए। ये बहुत ही, देखिए, हार्ड मिट्टी है। धीरे धीरे इसको निकाल दीजिए, या फिर इसको आप निकालने के बाद एक मग्गे में पानी लेके थोड़ी देर उसमें रख देंगे तो भी बहुत मिट्टी निकल जाती है। और वो करके फिर आप उसके बाद इसको पॉट में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप जगह जगह शिफ्ट मत करिए। अभी इसको रिपॉटिंग के बाद इसको किसी शेडी एरिया में रख दीजिएगा, और उसके बाद जब इसको एक प्लेस आप दे दें तो बार बार इसको इधर से उधर शिफ्ट मत करिएगा। तो आप इसको देखिए, आप इसको इस तरह से बीच में रख दें और हल्का सा प्रेस कर लें, और उसके बाद जितनी भी मिट्टी है उसको डाल दें। लाल मिट्टी हो या चिकनी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, इन सब को थोड़ा थोड़ा आप करके निकाल लीजिए, और उसके बाद इसको रिपोर्ट कर लीजिए। तो इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग लगभग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। पौधे को लगाने के बाद इसको जेंटल हाथों से प्रेस कर दीजिए, और देख लीजिए कि ये सीधा है, और अगर नहीं सीधा है तो इसको लाइट हाथों से प्रेस कर दीजिए। और इसको थोड़ा सा आप ऊपर नीचे ऐसे हिला भी लीजिए, पटक लीजिए, ताकि जो भी एयर पॉकेट्स है वो ख़त्म हो जाए, और इसको सीधा कर लीजिए। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और पानी ड्रेन आउट भी हो गया है, तो इतना पानी डालिए कि पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो देखिए, अब ये प्लांट लग चुका है, और इसको किसी शेमी शेड एरिया में आप रख दीजिए। और इस तरह से हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।